खेती और किसान हरियाणा सरकार की नीतियों के केंद्र बिंदु है, जिसकी वजह से प्रदेश सरकार किसानों को खेती प्रक्रिया में हर कदम पर सहयोग दे रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के नेतृत्व में कृषि विभाग किसानों की आय दोगुना करने के लिए अलग अलग माध्यम अपना रहा है, जिसकी बदौलत सूबे के किसान परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक और प्राकृतिक खेती की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। यही वजह है कि हरियाणा सरकार निरंतर नवाचार और नई नई पहलों के माध्यम से किसानों की प्रगति सुनिश्चित कर रही है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में बीज से बाजार तक किसानों को हर सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद एक किसान परिवार से हैं, वे किसानों का संघर्ष और उनकी समस्याओं को भली भांति जानते हैं, इसीलिए वे निरंतर किसानों का कल्याण करने के लिए सरकार की योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन सुनिश्चित कर रहे हैं, ताकि किसान कल्याणकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि कभी कर्ज के बोझ से दबा किसान अब हरियाणा की बढ़ती अर्थव्यवस्था का एक मजबूत पहिया बन चुका है, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल चाहते हैं कि किसान भाई परंपरागत खेती को त्याग कर बागवानी को अपनाए, जिसमें लागत कम मुनाफा ज्यादा होता है। यही वजह है कि हरियाणा सरकार बागवानी को बढ़ावा दे रही है, जिसके तहत प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान की भरपाई के लिए एक विशेष योजना मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना को चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में सब्जियों, फलों और मसालों को शामिल किया गया है। इसके लिए किसानों को प्रीमियम 750 रुपए से 1000 रुपए प्रति एकड़ देना होता है। सब्जियों और मसालों के लिए 30000 रुपए प्रति एकड़ बीमा राशि मिलती है, जबकि फलों के लिए 40000 रुपए प्रति एकड़ बीमा राशि मिलती है, जिससे किसानों की फसल के नुकसान की भरपाई हो सके। ये योजना वैकल्पिक है, यानी किसी को इसमें शामिल होने के लिए कोई दबाव नहीं है। वहीं बाजार मूल्य कम होने की स्थिति में किसानों को मुआवजा देने के लिए 21 फलों और सब्जियों को शामिल करके भावांतर भरपाई योजना को शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री भावांतर भरपाई योजना पूरे राज्य में लागू की गई है। इस योजना के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। पोर्टल पर अपनी फसल और क्षेत्र का ब्यौरा देना होता है, जिसके बाद बीमे की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाती है। ऐसी ही कल्याणकारी योजनाओं का असर है कि प्रदेश में प्रगतिशील किसानों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे ही प्रगतिशील किसान शेखर चौहान हैं, जो सोनीपत जिले के गांव मनोली में कई साल से संरक्षित खेती कर रहे हैं, जिसके तहत वो पोली हाउस में सब्जियों का उत्पादन करते हैं, जिसमें वो काफी अच्छा मुनाफा भी ले रहे हैं। प्रगतिशील किसान शेखर चौहान बताते हैं कि पहले वो परंपरागत खेती के तहत गेहूं और धान का उत्पादन करते थे, जिसमें लागत ज्यादा और मुनाफा बहुत ही कम होता था। इसके बाद उन्होंने हरियाणा सरकार के सहयोग से और ट्रेनिंग लेकर पोली हाउस लगाया, जिसमें वो लाल पीली शिमला मिर्च, बिना बीज वाले खीरे और लिलियम फूलों का उत्पादन करते हैं, जिसकी डिमांड बाजार में काफी ज्यादा है, इसलिए मुनाफा भी काफी अच्छा मिलता है। मेरा नाम शेखर राजपूत, गांव मनोली, जिला सोनीपत, हरियाणा का रहने वाला हूं मैं। आज से 10-12 साल पहले, 10-12 साल नहीं, 20 साल पहले हम धान और गेहूं की फसल करते थे। उससे किसान ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे नहीं गया। हमने 2010 में हमने इधर उधर घूम के इजराइल भी गए, ऐसे भी गए, देख के काफ़ी जगह से ट्रेनिंग वगैरह लेके हमने पोली हाउस लगाया। सरकार से भी इन पे 50% की सब्सिडी मिली। हमने पोली हाउस लगा के हमने ज़्यादातर कलर कैप्सिकम और सीडलेस कुकुम्बर, लिलियम फूल, ये ज़्यादातर हमने ये लगाए। उन्होंने बताया कि पॉली हाउस में पानी की काफी बचत होती है, क्योंकि पॉली हाउस में ड्रिप इरिगेशन के जरिए सिंचाई की जाती है, जिससे उत्पादन भी काफी अच्छा होता है।
शेखर बताते हैं कि धीरे धीरे युवा इसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं और अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। और इसमें ज्यादातर पानी की बचत सबसे बढ़िया है, इसमें ड्रिप एरिगेशन चलता है और काफी अच्छी फसल। कलर कैप्सिकम तो हम काफी मतलब 7-8 साल से कलर कैप्सिकम कर, उससे पहले हमने सीडलेस कुकुम्बर किया था और काफी अच्छा हम युवा इस लाइन में आए हैं तो अच्छा हुआ है। प्रगतिशील किसान शेखर चौहान ने बताया कि पॉलीहाउस तकनीक इजराइल की है जो बहुत ही कारगर साबित हो रही है, क्योंकि पॉलीहाउस में शेड नेट लगा होता है जिससे टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। सोलर का इसमें इजराइल ही ज्यादातर टेक्नोलॉजी है, पॉली ये इसमें पोलोथीन लगी हुई है ऊपर, इसमें शेड नेट है, ये शेड नेट इसको टेम्परेचर को अप डाउन करता रहता है, इसको जैसे गर्मी ज़्यादा होगी तो शेड नेट को घेर देंगे तो इस पर ज़्यादा गर्मी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रगतिशील किसान शेखर चौहान ने अपने खेत में हरियाणा सरकार के सहयोग से सोलर पंप भी लगवाया है जिससे सिंचाई के लिए उचित मात्रा में पानी मिलता है और बिजली की भी बचत होती है। हमने इसके सरकार की द्वारा में इसमें सब्सिडी दी गई है, सोलर पंप लगवाया हमने अभी इसी हफ्ते में लगवाया। इससे हमें गर्मियों में ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम पे गेहूं वगैरह की कटाई के टाइम पे बिजली बंद रहती है, इसकी वजह से पानी की हमें बिजली नहीं मिलती और पानी भी नहीं मिलता। फिर उस टाइम पे बिजली आएगी तो पानी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, इसकी वजह से हमने सोलर पंप लगवाया। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार के बागवानी विभाग की ओर से करनाल के एसटीआई में एक हफ्ते की फ्री ट्रेनिंग भी दी गई थी, जहां खेतीबाड़ी से जुड़ी और पॉली हाउस की सभी बारीकियों को अच्छे से सीखने का मौका मिला जिससे उन्हें काफी लाभ मिल रहा है। सरकार की तरफ से हमको इसमें ट्रेनिंग दी गई, हमें एक हफ्ते की ट्रेनिंग दी गई थी पॉली हाउस की, सब्जी वगैरह किस तरह से होती है किस तरह नहीं, उसकी सारी पूरी ट्रेनिंग हमको यहाँ करनाल में उचाणी है महाराणा प्रताप, उसमें हमें को ट्रेनिंग दी गई थी एक हफ्ते की। प्रगतिशील किसान शेखर चौहान बताते हैं कि उनके गांव के युवा किसानों ने एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें 20 से 25 युवा किसान जुड़े हैं, जिसके जरिए सभी युवा किसान अपनी फसल की मार्केटिंग करते हैं, साथ ही दिल्ली के आजादपुर मंडी में भी सब्जियों की सप्लाई करते हैं। से हमारे गांव में जितने भी युवा है, पहले आजकल नौकरी वगैरह तो है नहीं, इसके अच्छा है क्या हम अपनी तरफ से अपना आप युवा जितने भी युवा है ना, हमारे गांव में एक कमेटी बने मनोली ग्राम सम्पदा के नाम से, उसमें हम काफ़ी 20-25 युवा उसमें मिले हुए हैं, उसके तहत पे हम सारा जितना भी मार्केटिंग का वगैरह का है, जैसे हमारे यहाँ रिलायंस है मदर डेयरी है उससे बचता है तो बाकी का हम आजादपुर मंडी भेज देते हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से पॉली हाउस पर 50% की सब्सिडी मिली है और सोलर पंप पर 75% की सब्सिडी मिली है जिससे काफी मदद मिली है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों के लिए काफी अच्छा कार्य कर रही है जिसके तहत किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। सब्सिडी हमें इसमें 50% की तो हमें पॉली हाउस पे सब्सिडी दी गवर्नमेंट ने, सोलर पे 75% सब्सिडी। सरकार तो बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छी सरकार है, सरकार की तरफ से हमें सब्सिडियाँ भी अभी एम्प्लीमेंट पे कृषि यंत्रों पे इन पे काफ़ी अच्छी सब्सिडी दे चुकी है। आज के टाइम में युवा तो ये इंग्लिश वेजिटेबल लगा के तो काफ़ी अच्छे आगे बढ़ रहे हैं। वहीं प्रगतिशील किसान शेखर चौहान के भाई वीरेंद्र चौहान ने बताया कि वो अपने भाई के साथ कई साल से संरक्षित खेती कर रहे हैं जिसके तहत वो पॉली हाउस में सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं जिसमें परंपरागत खेती के मुकाबले काफी ज्यादा मुनाफा है। ऐसा है सर, मेरा नाम विजेंद्र चौहान है, मनोली गांव का रहने वाला हूँ जी।
मैं यार मेरा भाई शेखर चौहान ने पहले 10-12 साल पहले खेती शुरू करी थी जी। पहले गेहूँ और धान की खेती किया कर रहे थे जी। उसमें कभी मुनाफा हो जा कर रहा था, कभी नहीं हो जा कर रहा था। फिर हमने एक पोली हाउस के बारे में जानकारी ली जी। हमने पोली हाउस की जानकारी ली, इसकी ट्रेनिंग ली, फिर हमने पोली हाउस लगवाया जी सरकार के थ्रू जी। इस पर 50% सब्सिडी मिली थी जी हमें। इससे हमें बहुत अच्छा लाभ होता है जी। बहुत अच्छी मतलब मेहनत करते हैं उतना बढ़िया पैसा मिलता है जी। इसके साथ ही प्रगतिशील किसान वीरेंद्र चौहान ने बताया कि उन्होंने हरियाणा सरकार के सहयोग से अपने खेत में 10 HP का सोलर पंप लगवाया है, जिस पर 75% की सब्सिडी मिली है। साथ ही उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार किसानों की काफी मदद कर रही है, जिससे हरियाणा का किसान खुशहाल होता जा रहा है। फिर अब हमने ये सरकार की मदद से 75% सब्सिडी के हिसाब से हमें ये 10 HP का बोरवेल लगवाया है जी। इसमें 75% सब्सिडी मिली है जी। हमने 10 HP की मोटर लगाई है जी। इससे हमें सरकार बड़ी मदद कर रही है जी। बहुत ही हमें लाभ हो रहा है जी इससे जी। बहुत सरकार का इसमें बहुत बड़ा रोल है जी। हमारे बहुत अच्छा काम कर रही है जी। ये आज ही हमने शुरू करे आज ही ये देखो मोटर लगा दी है जी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री JP दलाल के नेतृत्व में हरियाणा का कृषि क्षेत्र विकसित होता जा रहा है। इतना ही नहीं, प्रदेश की मनोहर सरकार के अथक प्रयासों से प्रदेश का किसान न सिर्फ खुशहाल बन रहा है, बल्कि हरियाणा में खेती लाभ का सौदा बन रही है। मानो प्रदेश सरकार ने किसानों की तमाम चिंताओं को दूर करने का प्रण ले लिया है, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश के किसानों को खुशहाल बनाना है, जो पूरी तरह से सफल भी हो रहा है।